গীতা দু চারটা লগাই দে তো মার জ্যাক মার্টিন পরীক্ষায় ঘুমা গেল। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रजनीश लाइव। तो ये सुबह के 6 बजे हुए हैं और जो जिस दिन मैंने होम टूर वीडियो शूट किया था ना और अपलोड किया था उसी का बाद दिन है ये। और हमेशा सुबह उठते ही मैं एक ग्लास गर्म पानी पीती हूँ, तो बस वही मैं एक ग्लास गर्म होने के लिए पानी बिठाई थी। तो ऐसा होता है सुबह हमारा और उसके बीच में कुछ भी मतलब क्लिप नहीं ले पाई। और ये उसी दिन का रात का टाइम है, रात मतलब 6:30-7 बज रहे थे और शाम का ही टाइम था। और मेरे हस्बैंड मैक्सिमम टाइम हमारा रात में जो ना डिनर में पनीर ही बनता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड दूध वगैरह लाने जाते हैं ना तो यहाँ पर पनीर बहुत अच्छा मिलता है तो उठा के ले आते हैं। इतना दो ही जन है तो बस यहाँ पर ही मैंने पनीर को लंबाइयों में काट लिया है, प्याज को काट लिया है, कुछ लहसुन लिया है, कुछ गाजर भी मेरे पास ना बहुत सारे थे तो मुझे खत्म भी करना है। तो बस यहाँ पर गाजर टमाटर और मैं इधर पनीर लोटपोट बनाऊँगी। और इधर मैंने पोस्तो लिया है, चार मगज लिया है, ये सब पेस्ट करके मसाला बनाऊंगी। ये पोस्तो चार मगज अभी इसका मतलब इसको ग्राइंडिंग करूंगी, जैसे कि लहसुन और वो पोस्तो और चार मगज ये सारा। और कुछ टमाटर ले लूँगी क्योंकि ना ये जितने भी सरसों जीरा और ये पोस्तो होते हैं ना सूखा में पीस लो तो पीस मतलब मिक्स हो जाते हैं पर ज़्यादातर मिक्स नहीं होते, इसको पानी में फुला के रखना पड़ता है। इसलिए ना मैं टमाटर का यूज करूँगी ताकि अच्छे से पेस्ट हो जाए। आप लोग भी ऐसे करना, पोस्तो वगैरह पीसने के लिए ना ऐसे थोड़ा सा टमाटर यूज करना, अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। और दो हरी मिर्च ली हूँ, हरी मिर्च से ना फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, हरी मिर्च और लहसुन का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस इधर कढ़ाई गरम कर मतलब बिठा दी हूँ, पनीर को फ्राई करके निकाल दूंगी, मीडियम फ्राई करके सरसों तेल यूज करी हूँ। और एक्चुअली अभी पनीर भी ले आए थे और मुझे ना 6:30-7 के बीच में शाम में बहुत ज़ोर से भूख लगता है और मेरे घर वाले हम सब लोग जानते हैं मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगता है। इसके वजह से ना हम लोग एक्चुअली अभी प्लानिंग किए थे रेस्टोरेंट जाके डिनर करके आ जाएंगे, क्योंकि अभी 6:30-7 बज रहे थे, मैं 7 बजे खाऊँगी तो डिनर नहीं खाऊँगी। और सब लोग जानते हैं मैं शाम को खा देती हूँ, अगर 7 बजे भी खा लेती हूँ ना, मैं रात में नहीं खाती हूँ, मैं बहुत डांट भी सुनती हूँ सबसे। और उसी के वजह से ना मेरे हस्बैंड बोले नहीं तुम अभी आप खा लोगे तो फिर नहीं खाओगे, इसी के वजह से हम लोग डिनर करके रेस्टोरेंट में ही आ जाएंगे। फिर अचानक से कुछ काम आ पड़ा, इसी के वजह से हम लोग नहीं जा पाए और मुझे बहुत जोर से भूख भी लग रहा था। मेरे हस्बैंड फिर से जाके ना तुरंत चाट गुपचुप लेके आए, हम लोग आगे दिन ही चाट गुपचुप खाए थे, इसी की वजह से बोलते रेस्टोरेंट जाएंगे। तो कोई बात नहीं, फिर से काम आ पड़ा बहुत मतलब अर्जेंट वाला, तो लैपटॉप लेके बैठ गए मेरे हस्बैंड और मेरे लिए जाके तुरंत से पास में लिया है, पास में ही गुपचुप का स्टॉल वगैरह है वहाँ से लिया है। तो बस उसको भी मुझे अभी खाना था तो मैं ना ये सब बना रही थी, मैं कुछ भी डिनर नहीं की, मेरे हस्बैंड को ही दे दी। और ये देखो मैं फ्राई करके निकाल रही हूँ उसको, मीडियम फ्राई हो गया है पनीर, इसको निकाल दे रही हूँ। बस अभी मसाला थोड़ा अच्छे से भून के सब्जी पूरा कंप्लीट बना लूँगी, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये प्याज को डाला मैंने और ना गाजर नहीं डालने से भी चलेगा पर मुझे ना ये सब ख़त्म करने, फ्रिज पूरा भर गया है। मैं मना की थी मेरे हस्बैंड को गाजर मत लाइएगा क्योंकि पहले से ही बहुत सारा था और ऊपर से ही फिर से ले आया था, सलाद खा खा के कितना सलाद खाएंगे ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो पनीर में डालने से कुछ ख़राब नहीं लगेगा, कैप्सिकम गाजर ये सब डालने से कुछ ख़राब नहीं लगता है पनीर, इसी की वजह से मुझे ख़त्म भी करना था और खाने से भी टेस्ट भी आता है, ऐसा कुछ बात नहीं कि गाजर देने से कुछ अलग डिफरेंट हो जाता है। तो बस प्याज को मीडियम फ्राई करने के बाद ये गाजर को भी मैंने डाल दिया है और
इसको भी हल्का ही फ्राई करूँगी, ज़्यादा भी फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि जो मैंने ग्राइंड करके मसाला रखा है ना उसके साथ भी फ्राई होगा, फिर पनीर के साथ भी फ्राई होगा, इसी के वजह से मैं सब चीज़ को मीडियम मीडियम फ्राई करूँगी। और बस अभी स्वाद अनुसार हल्दी नमक सब ऐड कर दी हूँ। देन इसको मिलाकर वो टमाटर जो मैंने काटा हुआ है ना उसको भी ऐड कर दूंगी। ऐसे ना रात में, मतलब यहाँ पे पनीर एक्चुअली अच्छा मिलता है, मैं भी पनीर नहीं खाती थी, मुझे बिल्कुल, मुझे लगता था, मुझे ना दूध का जितना भी आइटम है ना मुझे अच्छा उतना नहीं लगता, पर मैं एडजस्टेबल हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं खाऊंगी, मतलब नहीं खाऊंगी, मुझे जो भी मिलता है मैं खा लेती हूँ, मेरा ऐसा कुछ बाच विचार नहीं है। तो बस टमाटर को ऐड कर दी थी, और जैसे बोली ना पनीर नहीं खाती थी, पर यहाँ पर पनीर बहुत अच्छा वाला सॉफ्ट वाला मिलता है तो मुझे अच्छा लगने लगा धीरे धीरे। तो बस टमाटर को डाल दी, अभी थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर डाल दी हूँ, और इधर किचन किंग मसाला, ये तो अभी मैं यूज कर ही रही हूँ रेगुलरली, देखे होंगे आप लोग मेरे जितना भी कुकिंग मैं करती हूँ, मैं अभी इसको बहुत दिनों से यूज करते आ रही हूँ, अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लाता है ये वाला जो मसाला है ना, किचन किंग मसाला एवरेस्ट का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बस इसको मिला ली, और अभी थोड़ा सा ढक दूंगी ताकि थोड़ा सा पक जाए, और इधर मैंने आटा, मतलब आटा लगा लूँगी, नमक डाल के, पानी उनी डाल के रख दूँगी, फिर मैं अच्छे से मतलब लगा लूँगी आटा, क्योंकि सोच रही थी पराठा बना लूँ, फिर इधर पनीर बन रहा है, थोड़ा तेल मसाला तो यूज हुआ है ना, रात में जितना हल्का खाने से ही ठीक रहता है, तो फिर मैं रोटी ही बनाने का ये कर रही, और इधर वो मसाला जो ग्राइंड करके रखा था उसको मैं ऐड कर दी हूँ, और बस इसको भी थोड़ा सा मीडियम फ्राई कर दूँगी, देन पनीर को ऐड कर दूँगी, क्योंकि पनीर के साथ भी ये मसाला भुनेगा, क्योंकि पनीर के अंदर भी इसको पेशना है मसाला को, तभी जाके थोड़ा टेस्ट आएगा, अब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आया था, भगवान का कृपा से मेरे हाथ से अच्छा बन जाता है खाना और अच्छा तो बन जाता है, सब लोग तो बोलते हैं। और बस हो गया, और पनीर को इधर ऐड कर दी हूँ, बस अभी थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, कोरिएंडर लीव्स ऐड कर दूंगी, और ढक के छोड़ दूंगी 5-10 मिनट के लिए, ये पक के तैयार है। और इधर आटा भी मैंने लगा लिया है, रोटी बना लूंगी, फुलका रोटी ही बनाऊंगी नॉर्मल सा, कुछ तेल उल दे के मुझे नहीं बनाना है पराठा वगैरह, और बस हो गया। वही दिखा रही थी, आटा लगा लिया है मैंने, और इधर बहुत ही अच्छा सा खुशबू आ रहा था, मैं बोली ना लहसुन और जो हरी मिर्च का जो फ्लेवर आता है ना, जो लोग ग्राइंड करने के बाद जब हम लोग सब्जी में यूज करते हैं ना, वो पूरा एक नंबर आता है, बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा था, बहुत ही अच्छा टेस्टी भी बना था। और इधर मैंने पानी ऐड कर दिया और थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स, देन इसको पकने के लिए 5 से 10 मिनट छोड़ देंगे, बस हो गया। आप लोग इसमें कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हो, मेरे पास था कैप्सिकम, पर क्या हुआ ना मैं गाजर ऐड की ना, मुझे इच्छा नहीं हुआ कैप्सिकम ऐड करने के लिए, इसी वजह से मैं नहीं की कैप्सिकम ऐड। और इधर कोरिएंडर लीव्स ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि कोरिएंडर लीव्स अभी ना विंटर के टाइम में इतना सारा, जितना भी 2 जन के लिए 20 रुपये का लाने से भी वो बहुत दिन तक मतलब रह जाता अगर हम लोग यूज ना करें, तो इसी की वजह ना मैं दाल सब्जी कुछ भी बनाती हूँ ना, मतलब सब्जी वाला आइटम, उसमें ऐसे कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देती हूँ। और वही दिखा रही थी, मेरा सब्जी बन के तैयार है, तो देखो मैं बोली ना उधर मैं बना ली हूँ सब, और इधर मेरे हस्बैंड गुपचुप चाट सब लिया है, और क्या करे खाना पड़ेगा, मैं ये सब खा ली थी तो उसके मैं आज डिनर ही नहीं की हूँ मैं, और सब रह गया था मेरा जितना, मेरा जो हिस्सा का सब्जी पनीर सब्जी सब रह गया था, ये चाट गुपचुप सब आया था। और इधर मेरा, मैं खाने के बाद आई
अभी हो गया था सब, बस मैं हस्बैंड को सर्व करके दे दूंगी, मैं तो नहीं खा पाऊंगी, मैं पेट पूरा फूल है। मैं मना की मत लाइए, पर वो बोले नहीं आपको भूख लगेगा, अब भूख लग रहा होगा और नहीं खाओगे तो कैसा होगा। तो बस उसी के वजह से तुरंत जाके ला दिया, उनका काम था फिर भी, नहीं तो हम लोग रेस्टोरेंट जाके खा के आ जाते। चलो पनीर भी बनाना था, फ्रेश वाला पनीर ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो कुछ नहीं, ये मेरा हस्बैंड का खाना है। और सुबह सुबह नाश्ते में फिर मैं इडली और चना का सब्जी, मतलब मटर जो होता ना पीला मटर, उसका सब्जी बनाई थी ये देखो। और मेरा जो पनीर बच गया था वही, वो हम लोग, ये मेरे हस्बैंड को दी थी और मैं जो थोड़ा पनीर लेके खा ली थी। हमारे यहाँ ना खाने पीने का थोड़ा ज़्यादा ही शौकीन है, तो हम लोग ऐसे मतलब चटपटा चीज़ बनाते ही रहते हैं हमेशा। और बस इडली और ये टेस्टी वाला चना का सब्जी घुगनी, हम लोग चले सूर्यवंशी फिल्म देखने। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ ना, हम लोग रहते हैं जहाँ वो छत्तीसगढ़ और आंध्रा का बॉर्डर है, ओडिशा का पूरा बॉर्डर एरिया में है, मतलब पूरा लास्ट एरिया है जो कि छत्तीसगढ़ ओडिशा का बॉर्डर है। हम लोग यहाँ से फिल्म देखने ना 60 किलोमीटर की दूरी छत्तीसगढ़ में जाते, क्योंकि थोड़ा सा छोटा जगह है, मूवी वगैरह का फैसिलिटी नहीं है। और हम लोग एक भैया के कार में जा रहे हैं आज, वो हम लोग को इसे लेने आए थे, तो मैं दिखाऊंगी आगे। तो ये जो ड्राइव कर रहे वो भैया है मेरे, हम लोग के पहचान वाले, वो ना बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं। तो हमारे घर में आए थे और आज हम लोग खाने में बुलाए थे उनको, तो ऐसे खाना पीना होने के बाद बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं, हम लोग के लिए गाना भी गा देते हैं। हम लोग को गाना सुनना भी अच्छा लगता है, उनको गाना गाना भी अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं। तो बस वो ऐसे आते हैं बीच बीच में हमारे घर, ऐसे गाना वगैरह गाते हैं। हमारे घर में जैक मार्टिन बोल के जो उस स्पीकर भी है, तो सब कुछ फैसिलिटी भी रखे, क्योंकि गाना सुनना बहुत पसंद है। तो बस ऐसे गाना वाना गा के 10-15 गाना गाते हैं, फिर खाना पीना ख़त्म हुआ, लंच करने के लिए आए थे। फिर हम लोग का में डिस्कशन हुआ, चलो सूर्यवंशी फिल्म देखने जाते हैं, तो भैया अपना कार लेके आए थे और बस हम लोग उसी की वजह से जा रहे हैं। अभी 60 किलोमीटर दूरी कोंडा गाँव बोल के जगह है उड़ीसा का और छत्तीसगढ़ का, मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं वो बॉर्डर है, 20 किलोमीटर के बाद छत्तीसगढ़ आ जाता है। तो बस अभी छत्तीसगढ़ एंट्री हो गया है और दिखाती हूँ मैं। और वेदर ना कुछ अजीब टाइप का करके रखा था, विंटर का टाइम है और ना बादल भी किया है, थोड़ा थोड़ा धूप भी निकल रहा, अजीब टाइप का करके रख रहा था। पर अब थोड़ा सा आगे जाने के बाद ना बहुत ज़ोर का बारिश भी हो रहा था, अभी दिखाऊंगी मैं। और देखो ये प्यारा सा कितना अच्छा नेचर, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इधर देखो थोड़ा थोड़ा पानी देना शुरू हो गया है यहाँ पे, और अभी हम लोग लगभग पहुँच चुके हैं कोंडा गांव, अभी एंट्री भी करेंगे हम लोग। ऐसे ना जाते थे, मैं और एक वीडियो भी शेयर की हूँ ना कोंडा गांव का, उस टाइम फिल्म वगैरह खुला नहीं था, मूवी थिएटर वगैरह अभी खुल गया है। हम लोग ऐसे हमेशा मेरे हस्बैंड और मैं जाते हैं वीकेंड में, और लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पा रहे थे, अभी फिर से स्टार्ट हो गया है हमारा जाना। तो बस देखो कितना बारिश आ रहा हुआ है यहाँ पे, बारिश दिन में भी इतना बारिश नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा था, और हम लोग कोंडा गाँव पहुँच गए थे। और इधर मेरे हस्बैंड टिकट लेने के लिए पहले ही जा चुके हैं और हम लोग को बुला रहे थे, तो बस टिकट ले चुके हैं, अभी जाएंगे एंट्री करेंगे और बस थोड़ा देर में स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले हम लोग पहले खाना देखते कहाँ खाना अच्छा मिल जाता है, तो ठीक है। तो फिर इसी की वजह से अभी हम लोग जाएंगे पॉपकॉर्न वगैरह सब लेके, हम लोग अभी एंट्री करेंगे मूवी देखने के लिए। सूर्यवंशी फिल्म रोहित शेट्टी का है, और कैसा धूम धड़ाका कॉमेडी, थोड़ा सीरियस, थोड़ा सिम्बा सिंघम सबको मिला के रिमिक्स कर दिया है, और क्या अच्छा ही लगा, मज़ा है, और थोड़ा कॉमेडी है, थोड़ा सीरियस है, थोड़ा इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई, और क्या मान जैक मार्टिन में परी गए हुआ गए। और इधर हम लोग ही फर्स्ट आ गए, अभी कोई आया नहीं है, अभी धीरे धीरे आएंगे। और मेरे हस्बैंड का कॉमेडी कर रहे थे, और क्या, बस हम लोग अभी निकल जाते हैं ख़त्म होने के बाद, बहुत जोरों का भूख लगा था। हम लोग यहाँ पर गुपचुप चाट खाने के लिए आए हैं, और मेरे हस्बैंड को जैसे प्याज लहसुन खाना पसंद है, तो वो ठेले वाले को बोल रहे थे प्याज मत डालना, और घर में पका के देने से अभी खा ले रहे, पर कच्चा प्याज स्मेल, वो सब स्मेल आता है मेरे हस्बैंड को। ओके क्या करे, किसका क्या पसंद है, बस खा पी के अभी निकल के। यहाँ पर ना थोड़ा चाट अजीब टाइप का मीठा मीठा करके देता है, हमारे ओडिशा में ना कितना टेस्टी खट्टा खट्टा वाला देता है, मुँह पूरा साफ हो जाता है, यहाँ पर ऐसा देता है ना अच्छा नहीं लगता है, पर क्या करे।
और खाने की भूख भी लग रहा था, तो हम लोग निकल चुके थे अभी उमरकोट के लिए। और ना हम लोग यहाँ पर रहना सेफ नहीं सोचे, क्योंकि रात का 9:30 बज रहा था। और हम लोग सोचे यहाँ पर भी अच्छा अच्छा रेस्टोरेंट है, हम लोग पहले बहुत खाए हुए हैं, पर हम लोग सोचे नहीं, हम लोग उमरकोट जाने के बाद ही वहाँ खाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ रहना ठीक नहीं है, अदर स्टेट हो गया है। और फिर हम लोग को जाने में ना रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल भी आता है, इसी वजह से हम लोग निकल गए थे। और डिनर करने के लिए हम लोग उमरकोट का एसएस इंटरनेशनल बोल के एक अच्छा 3 स्टार का रेस्टोरेंट है, यहाँ पर यही एक बड़ा रेस्टोरेंट है और हम लोग हमेशा खाते भी है। और ऐसे अभी तो वो होम डिलीवरी भी देता है, तो कभी कभी मंगवा लेते हैं, तो बस वहीं जाएंगे और खा लेंगे, देन जाएंगे घर। और क्या आज पूरा दिन हमारा ऐसा बिता। पहुंच चुके हैं उमरकोट, लगभग 10:30 बज गए थे, और ये रेस्टोरेंट में हम लोग पहुंच गए हैं। और कुछ कुछ मतलब मैं तो भीग गई थी थोड़ा बहुत, क्योंकि थोड़ा सा ये जो कार में ना एसी ख़राब हो गया था, तो उसकी वजह से हम लोग को डोर खोलना पड़ रहा था, उसकी वजह से पानी भी बहुत छिटास मार रहा था, और थोड़ा सा हम लोग भीग गए थे। और मैं हस्बैंड को बोली आप लोग जाओ ऑर्डर देते रहो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बैठ के जाती हूँ सोफ़ा में, क्योंकि मैं बाल पूरा भीग गए थे और मेरे माथा इतना थोड़ा दुखना बंद हुआ था लेमन टी के बाद, पर अभी थोड़ा सा दुख रहा था। तो मैं बोली मैं थोड़ा यहाँ पर शांति से बैठ रही हूँ, क्योंकि अब रेस्टोरेंट में भीड़ था, मैं बोली मैं उतना भीड़ में नहीं जाऊँगी, तो सोची वही ले इसलिए बैठी थी। फिर मेरे हस्बैंड बुलाने भी आई, मैं वही बोल रही थी भीग गया है पूरा मेरा बाल बोल के बोल रही थी। और बस अभी मेरे हस्बैंड बुलाने आएंगे तो मैं चलूँगी खाने के लिए। हम लोग आते हैं जब भी ना, पहले सूप वगैरह ऑर्डर कर लेते हैं, देन डिनर वगैरह खाते हैं। और सूप तो पहले ऑर्डर करेंगे ही, हम लोग पहले से डिसाइड कर लगे प्लान करके आए थे कि सूप पी लेंगे, वही बुलाने आए थे मेरे हस्बैंड, तो मैं चली खाने के लिए। और इधर सूप वगैरह सब मंगा लिए थे, तो गर्मा गर्म बारिश हो रहा था, सूप भी पी लिए, देन अभी डिनर आएगा तो खाएंगे। और इधर वो दोनों बात कर रहे थे, हम लोग सब बातचीत चल रहा है और क्या।